रामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम कोटा खुरक में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक महिला घायल हो गई। घायल के पति आशु खान ने बताया कि आज से करीब डेढ़ साल पहले उनके परिवार के ही रमजान ने 22 चक्का गाड़ी किस्तों पर मशरूम के डॉक्यूमेंट लगा कर ली थी और उसके बाद किस्तें भी नहीं भरी। जब परिवार वाले कहते कि किस्त भरो तो झगड़ा करने पर उतर जाते, इसी बात को लेकर मशरूम के पास नोटिस आने लगे। उसके बाद में पीड़ित आशु खान ने परेशान होकर रामगढ़ थाने में शिकायत दी। पीड़ित ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि 7 महीनों से उन्होंने जो भी कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद 4 अगस्त को आशु खान के परिवार से सुबन पानी की मोटर के तार लगाने गई थी, तभी वहां पर दौलत, हारून, तालीम, ताहिरा, साहिला व अन्य लोगों ने पुरानी रंजिश के तहत महिला पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिस वजह से महिला घायल हो गई, जिसको इलाज के लिए रामगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसको अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। हमारे आपसी रंजिश है, पहले से ही लड़का के नाम उसने गाड़ी ली थी, रमजान ने, मामूरा का लड़का है, उसने गाड़ी वो कटवा दी, अब उसकी किस्त भी नहीं भरे और गाड़ी को भी नहीं दिए, तो हमारे इससे झगड़ा चल रहा है। और वो साहब मानस उनके ज्यादा परिवार है मेरे खाने, तो पहले भी झगड़ा हुआ है, मेरा हाथ भी टूटा है, पंच पंचायत भी जोड़ ली, रिश्तेदार भी इकट्ठा कर ले, वो मानते किसी के है नहीं क्या हुआ था। और अब वो बिजली का तार लगाने गई थी, वो टंकी उनके घर के पास में, जब वो टंकी तार लगाने गई तो उसके वहां घुस जाते हैं, कई बार हुआ है ऐसा ही, वो झगड़ा कर देते हैं वहाँ और फिर हमको ही धमकी दिखावे, अब तुम क्या कर लिया, अगर थाना में थाना वाला भी हमारी सुनाई नहीं करे। पहले भी मेरा गाड़ी का भी केस है, झगड़ा का भी केस है, लेकिन पुलिस वाला कोई सुनाई नहीं कर पाए। कोटा खुरक अब क्या मामला हुआ है? अब ये साहब कल तार लगाने गई, वो तार हटा देते, फिर तार लगाने गई तो उसके वहाँ टंकी उसके घर के आगे वहाँ घुस जाते हैं, लाठी से डंडा से 5-7 लोग है, मार पिटाई करी। रमजान का भाई है, रमजान तो नहीं है, रमजान का भाई है तालीम, एक दौलत, फारूक, सराफत, और उनके घर से मेहरबानी मेहरबानी, हम तो घर जा नहीं, मैं तो बकरी जा रहा हूँ, उनने मारपीट की, इसे कमर में लगी है, पेट में भी लगी है, इधर घाव है, सीधे तरफ।